इस वक्त मैं हूँ गरुड़ बाजार की सब्जी मंडी के पास, टैक्सी स्टैंड के पास खड़ा हूँ। ये गरुड़ बाजार का स्वागत द्वार है और टैक्सी स्टैंड भी यहाँ पर है। बाजार का और लोगों के घरों का सारा कचरा इस टैक्सी स्टैंड के पास सड़क पर डैम कर दिया गया है। न तो लोक निर्माण विभाग इस पर कुछ कार्रवाई कर रहा है, न ही व्यापार मंडल। अगर इन्होंने कभी आवाज़ भी उठाई है तो उनकी आवाज़ को प्रशासन ने नहीं सुना है। ये कूड़े ने तो हमारी सारी इमेज खराब कर रखी, इसने हमारी इतनी मतलब बदनामी कर रखी है। बाहर का टूरिस्ट आता है, मेरे पास कई लोग आते हैं, कई विदेशी लोग भी आते हैं। उस पुल से लेकर टैक्सी स्टैंड से आगे जब जाते हैं, ग्रामीण बैंक की ओर बढ़ते हैं, तो नाक को मुँह हाथ रख के जाते हैं, रुमाल रख के जाते हैं, इतनी गंदगी होती है। और उसमें हमको शर्म आती है जो हम यहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम यहाँ के बाशिंदा हैं, लेकिन हम कर कुछ नहीं सकते क्योंकि हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। गरुड़ गंगा नदी यहाँ पर बहती है, बिल्कुल ये सब्जी मंडी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इसको तथाकथित सब्जी मंडी बोला जाता है। इसके ठीक नीचे गरुड़ गंगा बहती है और उस नदी में ये सारा कूड़ा कचरा बहा दिया जाता है। तो प्रदूषण की दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से भी ये खतरनाक है और लोगों को, दुकानदारों को भी इससे दिक्कत होती है। 3 साल पहले हमारी एक मीटिंग बैठी थी, जिस मीटिंग में तय हुआ था कि तहसील प्रशासन जमीन उपलब्ध कराएगा, इसमें एक गाड़ी मिलेगी और एक अजैविक कूड़ादान 2 बनेंगे। जो प्रस्ताव हमने बना के जिला पंचायत के माध्यम से बना के भेजा था, वो आज तक खटाई में पड़ा हुआ है। अब जो सत्ता में हैं, जो शासन में हैं, जो पद पर हैं, जिनके हाथ में पैसा है और जो रोज मीटिंगें करते हैं, रोज लोगों के बीच में भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, वो लोग, उन लोगों को इसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि उनको इसका उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर कूड़ा फेंकने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, कूड़ा बिल्कुल रोड में आ रहा है। हमने तो यहाँ तक व्यापारियों से सलाह मशवरा करके ये तक निकाल रखा है कि 1 नवंबर के बाद हम कूड़ा नहीं उठाएंगे। अगर तहसील प्रशासन हमें कहीं जमीन उपलब्ध नहीं करवाएगा तो हम इसके बाद 1 नवंबर से कूड़ा उठाना बंद कर देंगे। बहरहाल ये स्थिति है हमारे बागेश्वर जनपद के गरुड़ विकासखंड की सबसे प्राचीन, ऐतिहासिक और पुरानी बाजार का, जो कि अब धीरे धीरे आधुनिक हो रही है। और आधुनिक होने का यह अर्थ है कि कूड़े कचरे का निस्तारण भी नहीं किया जा रहा है, प्रशासन भी इस दिशा में कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया अनहर्ट के लिए विपिन जोशी, उत्तराखंड बागेश्वर के धारड़ा गांव से।